लास्ट टाइम आपने कब इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी? अगर मैं आपसे कहूं ये वीडियो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है तो? बहुत सारे लोग इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही नहीं की होती। ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, सिर्फ उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ जैसे क्वेश्चन से भी कई बार लोग घबरा जाते हैं और वहां से ही उनका इंटरव्यू गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ को किस तरीके से आपको आंसर करना है। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर देते वक्त एक्चुअली 3 सेगमेंट को आपको कवर करना होता है। यस भाई साहब, 3 सेगमेंट। तो सबसे पहला सेगमेंट है अबाउट योर सेल्फ, यस, जहां पे आप सिर्फ अपने बारे में बताते हो। और उसमें क्या कवर होता है? आपका नाम, आपका लोकेशन एंड आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यस, ये 3 चीजों से आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे बोलना है। हेलो सर, आई एम लोकेश तिवारी। बेसिकली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई बट करंटली आई एम लिविंग इन बैंगलोर, HSR लेआउट। इट्स 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ऑफिस एंड आई एम एन IT इंजीनियर। या फिर आप कह सकते हो आई एम ग्रेजुएट, या फिर आप कह सकते हो आई एम 12th pass, वॉट एवर इट इज। हेलो सर, मेरा नाम लोकेश तिवारी है। वैसे तो मेरी पूरी एजुकेशन मुंबई से हुई है लेकिन अभी मैं बैंगलोर में HSR लेआउट में रह रहा हूँ जो कि ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर है। और मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन साइंस है, या फिर BSc कॉमर्स, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको इन 3 लाइन में कवर करना है। सिंपल, डन। और हाँ, आप जिस सिटी में रहते हो, वहीं पे पैदा हुए हो, वहीं आपका पूरा एजुकेशन हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आंसर मैंने जानबूझ के चूज किया था कि आई एम फ्रॉम दिस सिटी बट करंटली आई एम लिविंग इन दिस सिटी, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे, मैक्सिमम लोग बड़े शहरों की तरफ, या फिर आप कह लो जो शहर ज्यादा एस्टैब्लिश है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, जहां पे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, ऐसे शहरों में हम माइग्रेट होकर के आते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह का एक आंसर चुना। नाउ, एक बार आपने अपने बारे में बता दिया, अब आपको बढ़ना है दूसरे सेगमेंट में जहां पे आपको अपने काम के बारे में बताना है। अब आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन लोकेश मैं तो फ्रेशर हूं तो मैं अपने काम के बारे में कैसे बताऊं? रिमेंबर, आप जब भी किसी भी जॉब के लिए जाते हो, बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको कुछ काम तो प्रेजेंट करना है ना, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। अब कैसे काम? नंबर 1, आप अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बता सकते हो। जैसे आप ग्रेजुएट हो तो आप फाइनल ईयर में आपने क्या प्रोजेक्ट किया है ना, आपने कुछ इंटर्नशिप की है किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 महीने के लिए, जैसे इंटर्नशाला है, आप वहाँ पे जाकर के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। आपने किसी के लिए फ्रीलांसिंग वर्क किया है तो आप वो बता सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने काम का इम्प्रेशन अच्छा डालोगे कि भाई मैं सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, या फिर सिर्फ अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बस बैठा नहीं था, मैं कुछ तो कर रहा था। तो उसको आपको बताना है कि इन माय लास्ट वर्क आई डिड दिस, आई अचीव्ड दिस, है ना। जैसे आपने सेल्स में हो सकता है काम किया हो सकता है आपने कॉलिंग में कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम किया हो सकता है वर्स्ट केस में आपने डिलीवरी का ही काम किया हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन आई वॉज लुकिंग जॉब बट आई डिडंट गॉट अपॉर्चुनिटी, सो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग लेट्स ट्राई डिलीवरी, सो आई वॉज अर्निंग अ पार्ट टाइम इनकम, दैट्स गुड थिंग, एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे थे। बट अगर आप सिर्फ बैठे हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, 12th pass हो चुके हो और 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए कि देखते हैं कहीं काम मिलेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो आपको करना चाहिए, तो आपको वो प्रेजेंट करना है। और वर्स्ट केस में आपने कुछ नहीं किया तो इसको फिर खाली छोड़ दो, फिर क्या ही कह सकते हैं। तो आपने अपने बारे में कवर कर लिया, फिर अपने काम के बारे में थोड़ा सा कवर कर लिया, वहां पे थोड़ी सी अचीवमेंट बता दी, एंड देन द लास्ट पार्ट एंड दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा वर्क डिटेल। अब इसमें क्या होता है? इसमें हो सकता है जैसे आपका कोई अचीवमेंट होगा, स्कूल डेज में आप स्पोर्ट्स टीम में थे, या फिर आप कॉलेज डेज में आपने कुछ अच्छा किया हुआ है किसी टीम स्पोर्ट्स, या फिर कुछ वर्क, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है जहां पे आपने अपनी लीडरशिप स्किल दिखाई हो, जहां पे आपने कोई स्किल एक्वायर की हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप कुछ भी हो सकते हो। सी, बहुत कम लोग होंगे गोल्ड मेडलिस्ट, तो जाहिर सी बात है मैं खुद नहीं हूं, बट कुछ तो आपने जो भी अचीव किया हो आप वो चीज जरूर बता सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ तो मैंने अपने 3rd year और 4th year में कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे। मैं और मेरा दोस्त हम जब कॉलेज में थे तो हम उस वक्त, जैसे आपने कॉलेज फेस्ट होता है ना, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए थे हमने टेक रिलेटेड गेम, दैट इज़
टेक हाउसी, और ये 2008 की बात है। आई थिंक आपने तंबोला खेला होगा, उस तरह का कुछ वर्क था वो। तो इस तरीके से हमने उसको ऑर्गेनाइज किया होता, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सो आप तीनों सेगमेंट समझ गए सिर्फ अपने बारे में। तो अपने बारे में क्या, नाम, लोकेशन, क्वालिफिकेशन, देन अबाउट योर वर्क, जो भी आपने काम किया हुआ, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, कुछ भी काम किया हुआ, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ग्रेट, आप वो जरूर इंक्लूड करो कि लास्ट कंपनी में ये करता था। एंड देन एट लास्ट योर हॉबीज, योर फैमिलीज और एक्स्ट्रा डिटेल जो आप देना चाहते हो, एंड विद इन 1.5 मिनट यू वुड बी एबल टू कंप्लीट दिस। टेल मी अबाउट योर सेल्फ नाउ। अब मैं आपको पूरा बताता हूं, ठीक है, आप सुनो। मान लो आप इंटरव्यूअर हो, ठीक है, और मैं इंटरव्यू देने आया हूं, तो मैं आपको बताता हूं, हेलो सर, मेरा नाम लोकेश तिवारी है, वैसे तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरा पूरा एजुकेशन मुंबई से हुआ है, बट करेंटली मैं बैंगलोर में ही हूँ, और बैंगलोर में HSR लेआउट में रहता हूँ, जो कि ऑफिस से हार्डली 7 किलोमीटर दूर है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, आई एम एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। सर वैसे तो मैं फ्रेशर हूँ, बट इन माई फाइनल ईयर आई ऑर्गेनाइज टेक हाउसी एन इवेंट वेयर मोर देन 100 पीपल पार्टिसिपेटेड एंड इट वॉज सक्सेसफुल एंड दैट्स हाउ आई एक्वायर्ड द knowledge of tech, coding, and that's where I realized कि I think I love coding. और अपने स्कूल के दिनों में सर मैं रनिंग में बहुत बार पार्टिसिपेट करता था, मैंने कई सारे मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, दिल्ली, गोवा, मुंबई, तो सो फिटनेस का मुझे काफ़ी शौक भी है। एंड इन बैंगलोर करेंटली आई एम लिविंग विथ माई वाइफ, दैट्स इट, सिंपल सिंपल तरीके से आपको इसको बोलना है। अब ये सेम आंसर को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ ताकि आप वहां से कॉपी करो, खुद प्रैक्टिस करो। ज्यादातर मैं देखता हूँ इंग्लिश में देने के लिए ट्राई करूंगा, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश में प्रिपेयर करते हैं, सो सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। सो ये था टेल मी अबाउट योर सेल्फ नाउ। सिर्फ टेल मी अबाउट योर सेल्फ का प्रिपरेशन करने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, आपको और भी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो प्रॉमिस मी यू विल प्रिपेयर फॉर अदर क्वेश्चंस और उसमें हेल्प के लिए, जैसे कि व्हाई वी शुड हायर यू, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो आपको बताया है, आप इसको जरूर देखो ताकि आप और भी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर पाओ। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी। और हाँ, जो भी आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर है, जो भी 4-5-6 लाइन का, प्लीज टाइप इन कॉमेंट बॉक्स कि आपने इस वीडियो को देख करके अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ किस तरीके से क्राफ्ट किया, किस तरीके से बनाया, कैसे आपका नाम, लोकेशन, फैमिली, क्वालिफिकेशन, सबको आपने कैसे बढ़िया तरीके से असेंबल किया, और सिंपली कॉमेंट में डाल दो। उससे और भी लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी एक आइडिया मिलेगा, हाँ यार मैं इस तरीके से भी स्टेटमेंट फॉर्म कर सकता हूँ, तो उससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।